तारे दस्ते में आज अर्श सजाया जाए, इस रात दे तारे दस्ते में आज अर्श सजाया जाए, रादा विच रोमन वाले अज मेहमान बनाया जाए, रादा विच रोमन वाले अज मेहमान बनाया जाए, सफा बन के खलो रावण के बैणाए बलियों में, सफा बन के खलोना नबिया रावण के बैणाए बलियों में, महबूब दा सारे अर्शियां नूं महबूब दा सारे अर्शियां नूं अज दीदार कराया जाए, महबूब दा सारे अर्शियां नूं अज दीदार कराया जाए, तुरके मक्के अल दो लागी आए, एक जिब्रील ते एक दूजा ही, एक सिदरा ते रह जाना है, एक नूर बुलाया जाना है, रात दे तारे दस्ते में आज अर्श सजाया जाए, आज यार मिलनगे यारानूं आज लगे लगनगे रंग बहारानूं, आज यार मिलनगे यारानूं अज रात मेराज दी अरशां ते, अज रात मेराज दी अरशां ते इक जश्न मनाया जाए, अज रात मेराज दी अरशां ते इक जश्न मनाया जाए, इस रात ते तारे दसदे ने अज अर्श सजाया जाए, वाला विच रोमन वाले मेहमान बनाया जाए, दुआ है हक बयान करने हक सुनने हम सब को जो मंदिर मुबारक की मुबारक घड़ियां हैं दरूद शरीफ के हवाले से हदीस मुबारक समाप्त फरमाएं, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है जिसका नाम ले रहा हूँ, ये नवासे रसूल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के पोते भी हैं, और आपका फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की बख्शीश फरमा देगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, सुभान अल्लाह। और कल 15 रजब पर मुरज्जब हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम-ए-विसाल है,
एक रवायत का आपके हवाले से पेश कर देते हैं, देखना फिर अपने मौजू की तरफ आएंगे। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला व रहमतुल्लाह अलैह, आप ऐसी हस्ती हैं कि एक बार आप मजमे में बैठ कर बयान फरमा रहे थे और फरमा रहे थे कि इब्राहिम अलैहि सलाम को रब ताला ने फरमाया कि मैं जिंदा भी करता हूँ, मुर्दा भी, मैं जिंदगी भी देता हूँ, मौत भी अता करता हूँ, जिसे चाहूँ जिंदगी अता कर दूँ, जिसे चाहूँ मौत अता कर दूँ। और कुरान की नस से आप ये वाकया बयान कर रहे थे, फखुज अरबाअतन मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका, फरमाया कि अरबाअतन मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका, कि ए इब्राहिम चार परिंदे ले ले, उनको अपनी बोली सिखा, अपने साथ मिला ले ताकि वो तेरी बात सो समझे। फिर क्या कर, तुम मजल हुन्ना यातीना कसाया वाना मिनल्लाह अजीज हकीम, उनको ज़बह करके पहाड़ पे फेंकना तेरा काम है, आवाज देना तेरा काम है, जिंदा करके तेरे पास लाना मेरा काम है, जिंदा करके तेरे पास लाना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदे लिए, उनको ज़बह किया मुख्तलिफ क्वालिटियों के लिए, मुख्तलिफ नस्लों के लिए, कोई कबूतर है, कोई कौवा है, कोई तोता है, कोई मुर्गा है, इस तरह के चार परिंदे लिए, चारों का कीमा कर दिया और उस कीमे को मिक्स करके अपने पास रखा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर परिंदे का सर उठाकर पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों पर रख दिया और दूर जाके आवाज दी, सुन मत उड़ना, दौड़ के आओ, यातीना का साया, दौड़ते हुए चले आए। जिनका कीमा बन चुका है, बोटियां हो चुकी हैं, सर कट चुके हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह आवाज दे रहे हैं, ये वाकया इमाम जाफर सादिक बयान फरमा रहे थे। और साथ ही फरमाते हैं, मेरे मुरीदों, मेरे मानने वालों, अगर तुम चाहो तो मैं भी अल्लाह के हुक्म से परिंदे जिंदा कर सकता हूँ। मुरीदों ने कहा, हुजूर कैसे? आपने चार परिंदे दिए, कौवा, बाज, चील, इस तरह के चार परिंदे इकट्ठे किए, कबूतर, ये चार परिंदे लेके उनको सर कलम किया और दूर फेंक दिए और आवाज दी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, सारे परिंदे जिंदा हो गए। ये वो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। 15 रजब कल जो आई, आज 15वीं रात है रजब, 15वीं रात आपका यौम विसाल है, जिसे हम कुंडे का खत्म कहते हैं ना, रजब के कुंडे, ये कुंडे से मुराद ये है कि इसाले सवाब करना। और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक दिन इसाले सवाब कर दिया बात खत्म हो गई, ना ना, साल में किसी वक्त भी इसाले सवाब किया जा सकता है, दिल का तय्यब करना तो जरूरी है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि रब ताला ने इरशाद फरमाया, वईद आखद अल्लाह मीसाक, और जब हमने नबियों से पुख्ता वादा ले लिया, सिर्फ वादा नहीं लिया, पुख्ता वादा ले लिया। वादा दो किस्म का होता है, एक किस्म का ये कि यार मैं तेरे नाल वादा करता, मैं तेरे नाल वादा करता हूँ, मैं तेरे घर जो रुका, ये कोई वादा है। एक वादा मेरा ऐसा वादा यारा कि मैं हर सूरत में जो मर्जी हो जाए, कायम हो या ना हो, मैं तेरे घर जो रुका, एक ये वादा है। तो अल्लाह ताला ने कौन सा वादा लिया? फरमाया वही आखद अल्लाह मीसाक नबीयीन, अल्लाह फरमाता है हमने नबियों से एक अच्छा वादा नहीं लिया, और वादा किससे लिया जा रहा है? नबियों से पक्का वादा लिया, मीसाक नबी, मीसाक कहते हैं वादे, या अल्लाह क्या वादा कर ले रहा है? मीसाक नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअ अर-रसूल, ए नबियों मैं तुम्हें नबुवत भी दूंगा, तुम्हें अज़मते भी दूंगा, शानों वाला नबी बनाऊंगा, तुम्हें दौरे हुकूमत अता करूंगा, तुम्हें उम्मत भी अता करूंगा, तुम्हें किताबें भी अता करूंगा, तुम्हें सहीफे भी अता करूंगा, तुम्हें अपना खास कुल भी अता करूंगा, तुम्हें शानों वाला भी बनाऊंगा, और तुम्हें नबूवत से सरफराज भी करूंगा, और तुम्हारे इस शान का मालिक बना दूंगा कि हर उम्मती तुम्हें अपने दौर का नबी समझेगा, तुम्हारा कलमा होगा, लोग तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे, तुम्हारी अजमत के गीत अलापेंगे, पर मेरा नबी उस वक्त आ जाएगा, मेरा पैगंबर जब आ जाए, मेरा आखिर जमान रसूल जब आ जाए, शानों वाला रसूल आ जाए, फिर क्या करूं? मुसद्दिक लिमा बैन यदी, मुसद्दिक लिमा मअकुम, फरमाया फिर अपनी
किताबें छोड़कर, अपनी हुकूमत छोड़कर, अपनी नबूवत छोड़कर, अपना कलमा पढ़ना पढ़ाना छोड़कर मेरे नबी का कलमा पढ़ूंगा। ये वादा मुझसे ले करो आज मीसाक की रात। नबियों ने कहा कालू बला ज्यादा जरूर, हम इस बात पर अमल करेंगे। ये अल्लाह रसूल कौन सा, किस रसूल की बात कर रहा है? अल्लाह फरमाते हैं वो रसूल जिस जब मैंने पैदा किया उसके बाद सारी कायनात को पैदा किया और उस रसूल को दरमियान में बैठाया और बैठा के सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा कर लिया था और अपने महबूब का तारफ करवाया था और कहा था इस नबी के पीछे नमाज भी पढ़वाऊंगा, इसका खिताब भी सुनवाऊंगा। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम आए आगे कहने लगे अल्लाह वो जो नबी की साख की रात वादे की रात दिखाया था जब तूने हमसे वादा लिया था कि नबी आ गया तो अपने कलमे छोड़ देना, अपनी हुकूमतें जायदादें हर चीज छोड़कर मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना, वो नबी कब आएगा? आदम अलैहिस्सलाम पूछ रही। अल्लाह ने फरमाया आदम थोड़ा सब्र कर, वादा जो किया हुआ है वादा किसने किया? रब ने। अल्लाह कहता है अल्लाह अपने वादे में बड़ा ही सच्चा है। मन अस्दक मिन अल्लाह कीला, कुरान कहता है अल्लाह अपनी बात में सबसे बढ़ के सच्चा है, अल्लाह अपनी गुफ्तगू में सबसे बढ़ के सच्चा है। पर नबी इंतजार कर रहे, नूह अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अला हाजिर कियास 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों के जमाने बीत गए, उनके सारे दौरे हुकूमत अपने अपने वक्त पर वो सारे गुलाम तक चले गए। जब मेरे और तेरे आका की बारी आई, हजूर कायनात में जलवा फरोज हुए, तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जान नबियों को इकट्ठा कर, ये नहीं फरमाया कि नबियों को रूह नबियों की रूहों को इकट्ठा कर। अब नबी तो सारे जा चुके थे, कुरान उठा के रब ने नबियों की रूहों को नहीं बल्कि नबियों को इकट्ठा किया, नबियों को इकट्ठा किया और कहा ऐ नबियों सारे इकट्ठे हो जाओ। या अल्लाह क्यों इकट्ठे हो जाएं? फरमाया आज रब जो तुमसे वादा कर चुका था उसको पूरा करने का, आज उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है, अपनी बात का पास रखने का वक्त आ गया है, आज रब तुमसे अपना वादा पूरा करने लगा है। सारे मस्जिदे अक्सा में चलो इकट्ठे हो जाओ, मेरा नबी आने वाला है, तुम सारे सितारों की तरह हो, सूरज बन के आ रहा है, सूरज बन के आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस शान से चले, गुज़श्ता जुमे में मैंने अर्ज किया मुख्तसर जिब्रील को हुक्म हुआ जिब्रील जा जन्नत में मेरे महबूब की सवारी ले। जिब्रील जन्नत में आए 40,000 बुराक, बुराक कहते हैं एक ऐसा जानवर था जन्नत का जो घोड़े से छोटा और खच्चर से बड़ा, गधे से बड़ा था, वो बुराक था। बुराक का मतलब है बिजलियाँ, बर्क कहते हैं बिजली को, बुराक यानी ज्यादा बिजली, इतना तेज जानवर दौड़ने वाला। वहां पर 40,000 बुराक जन्नत का घास चल रही है, एक से एक बड़ी खूबसूरत सेहतमंद फरबा। एक बुराक ऐसा था जो बिल्कुल ही कमजोर लागत था और ना खाता था ना पीता था। जिब्रील आए कहने लगे बुराक तुझे क्या मसला है, तू क्यों नहीं खा पी रहा? उसने कहा कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, ये जितने बुराक हैं इन पर किसी ना किसी नबी ने सवारी की है, मेरे दिल की तमन्ना है मेरे ऊपर भी कोई नबी सवारी करे। जिब्रील ने कहा कि चल आज रात मैं तुझे सैयदुल अंबिया की सवारी के लिए बिठाने लगता हूँ। बुराक खुश हो गया और अब फूला नहीं समा रहा था, खुशी की इंतहा नहीं रही। जिब्रील ने बुराक लिया, सरकार की बारगाह में आ गए, सरकार को तैयार किया गया, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, 70,000 फरिश्ता दाएं, 70,000 बाएं, 70,000 आगे, 70,000 पीछे, एक जुलूस नुमा। मेराज की रात मेरे आका दुर्गा बने, अकबर वारसी लिखता है वो कहता है बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, अबले रहमत उठा आज की रात, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है,
सर पे नूरानी सेहरा कि क्या बात है, साधु लबना आज की रात है। मेरे आका दुबला बने बुराक आ गया, जब मेरे आका कदम रखने लगे साहिब मालूम मतलब लिखते हैं कि बुराक ने कदम रखने से पहले पहले टपक कर आगे खड़ा हो गया। जिब्रील ने मिकाइल ने लगाम खींची, वो बुराक जिस नबी की सवारी के लिए तरफ रहा था तरफ रहा था, आज वो तुझ पर सवार होने लगे और तू एक तरफ खड़ा हो गया है, उनको अपने ऊपर सवारी भी करने दे रहा। बुराक ने कहा जिब्रील मेरे और आका के दरमियान की एक गुफ्तगू है, मैं हुजूर से कोई बात करना चाहता हूँ। बुराक ने कहा अल्लाह के महबूब क़यामत का दिन होगा, आपकी उम्मत कब्रों से भूखी प्यासी नंगी उठाई जाएगी और उस वक्त आपको एक सवारी की जरूरत होगी। अल्लाह के महबूब आपने कभी मैदान पे जाना होगा, कभी उम्मतों के अमाल चुराने के लिए मैदान पे, कभी रोजे कोसर पे पानी पिलाने के लिए जाना होगा। अल्लाह के महबूब सवारी के लिए उस वक्त भी मेरा ही इंतहा करे, मुझे प्रसन्न कर दे। मेरे आका सोच में पड़ गई कि मेरी उम्मत तो भूखी प्यासी उठेगी कब्रों से और मैं बुराक पर बैठ के सहरे कर रहा हूँ। रब ने जिब्रील को भेजा, फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब से कह दे कि अगर आपसे मोहब्बत करने वाला हुआ, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला हुआ, नमाज पढ़ने वाला हुआ, रोजादार हुआ, आपकी सुन्नत के ऊपर काम करने वाला हुआ, सारी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा तर्क ना करने वाला हुआ, उतनी देर तक कब्र से उसको उठाया नहीं जाएगा जितनी देर तक उसकी कब्र पर एक बुराक बांध रहा है, सुभान अल्लाह, उसकी सवारी तैयार ना कर दी जाए। आप इस बुराक से क्यामत वाले दिन के लिए वादा करता है, बल्कि रोज क्यामत वाले मैं पर करो सवारी। मियां मोहम्मद बख्श आरफी करीम रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं उस बुराक से कहा बल्कि रोज क्यामत वाले मैं पर करो सवारी, कर इकरार निशानी देखो देखो आयश सलाम। फरमाया अल्लाह के महबूब आपने मुझे वादा मुझसे कर लिया है, अब बुराक अपना वादा निभाएगा, आप मुझ पर सवारी करें। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बुराक खुशी से इतना फूल चुका था कि रकाब में मेरे आका के पांव मुबारक नहीं आ रहे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुराक ऊंचा हो चुका था, उस वक्त गौसे पाक की रूह मुबारक वहां पर पहुंच गई। तोहफा मीरा में आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक्य को लिखा है, आप फरमाते हैं कि गौसे पाक की रूह मुबारक पहुंची और कंधा पेश किया, हुजूर मेरे कंधे पे कदम रखे और इस बुराक पर सवार हुआ। यहाँ पे इश्क भरी बात कर रहा हूँ, मेरे आका ने गौसे पाक के कंधे पर कदम रखा और बुराक पर सवार हुए और दुआ की, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी आज तूने अपना कंधा मेरे लिए पेश किया है और मेरा कदम अपने कंधे पर रखा है, क़यामत तक जितने वली आएंगे उतनी देर तक वली बन नहीं सकते जितनी देर तक तेरा कदम अपने कंधों पर ना रखूंगा, उतनी देर तक वली बन नहीं सकते। उसे बाद रहमतुल्लाह अलैह फिर वो वक्त आया कि आपने ऐलान फरमाया कि मैं सरदारे औलिया अल्लाह के वलियों का सरदार, हर वली का कदम हर कदम वली का कंधा हाजिर है और मेरा कदम भी हाजिर है, बुराक रोकिए। एक सबज टीला आया, बाल रवायत कहते सुरख टीला आ गया, जिब्रील ने कहा हुजूर यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश है, ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह पैदा हुए थे, यहाँ पर दो नफल अदा करना मालूम हुआ कब्रों पे जाके नफल पढ़ना या दुआ करना सुन्नत मुस्तफा से शामिल है। मेरे आका ने ईसा अलैहि सलाम की जाय पैदाइश पे भी नफल पढ़े और एक जगह आई जहाँ पर मूसा अलैहि सलाम की कब्र है, हुजूर ने फरमाया पैदा मरत तुम कब्र मूसा, पैदा हुआ कायम मुसल्ली में कब्र ही, फरमाया मैं मूसा की कब्र से गुजरा, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम मनोमट्टी नीचे थे, हुजूर फरमाते हैं मैं अर्श पे गुजर रहा हूँ जमीन पे गुजर रहा हूँ और मेरी नजर मूसा की कब्र पे है। अब यहाँ पे मुहतरीन का इख्तलाफ है, वो कहते हैं जुसल्ली जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसके चौवन मानी
और उनमें से एक मानी दुआ करना है, एक मानी नमाज पढ़ना है, एक माना है दुरूद सलाम पढ़ना। और यहाँ पर यह माना लिया जाएगा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुजरे मुबारक हुआ तो मूसा अलैहि सलाम नमाज नहीं पढ़े। मसाल उन्होंने ये लिखी समझाने के लिए कि घर में जब कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान ये नहीं कहता कि भाई शायद क्या तेरा मेहमान बाद में कहूँ मैं दो नफल पढ़ू। वो कम तो ये है कि अगर नफली रोजा भी रखा हो तो मेहमान को तोड़ना पड़ जाए तो भी तोड़ दे, मेहमान नवाजी करे मेहमान को तोड़ना पड़ जाए। फरमाया कि मूसा अलैहि सलाम नमाज नहीं पढ़े थे बल्कि आका की जात पे ये कह रहे थे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। मेरे आका ने वहां पर भी सवारी होती दो नफल अदा फरमाए, दुआए बख्शिश फरमाई, दुआए मगफरत फरमाई और दर्जात की बुलंदी की दुआ फरमा के वहां से आगे चले। रास्ते में बेशुमार कबूर से मदरात से गुजर हुआ, एक ऐसी वादी आई जहाँ पे चंद खजूरों के दरख्त, चंद खजूरों के दरख्त। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अपनी सवारी रोकी। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील क्यों? फरमाया यहाँ पर आपने हिजरत करके आना है, ये अभी शहर यसरब है लेकिन जब आप तशरीफ लाएंगे ये मदीना बन जाएगी। मेरे आका ने वहाँ पर भी दो नफल अदा फरमाए और उस मदीने की सरजमीन पे हुजूर ने जब नफल पढ़े तो अल्लाह ताला ने उस मदीने को हरम शरीफ का मकाम अदा फरमाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बिला ताखीर मस्जिद अक्सा में पहुंची, वो मस्जिद अक्सा जहाँ सारे नबी इकट्ठे हैं। रब ने अपना वादा पूरा कर दिया भाई दाखिल अल्लाह हो मीसा कर नबी की नमाज है तो तुम्हें किताब मरहमा। फरमाया कि सारे नबी किस इंतजार में थे कि अल्लाह ताला का अपना वादा पूरा करेगा और हमें उसका वादा दीदार कराएगा। सितारों की तरह सारे अंबिया नजर आ गए, हजूर सूरत की मानते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सितारों से कह दो अब कूच करें, सितारों से कह दो अब कूच करें, शम्स मुनव्वर आते हैं, पैगंबर तो सब ही आ चुके और सबके पैगंबर आते हैं। हजूर तशरीफ लाए, सारे नबियों से बगल की हुई, मुसाफा फरमाया, मुलाकात हुई, हर एक ने अहलन व सहलन कहा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा कि मुसल्ला खाली है, जिब्रील ने इकामत पढ़ी, अजान पढ़ी, इकामत पढ़ी, जिब्रील हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाहें गाड़े हुए। मेरे आका ने फरमाया मैं सोच रहा था कि आदम अलैहि सलाम नमाज पढ़ाएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह नमाज पढ़ाएंगे, बड़े बड़े औलुल अज़म पैगंबर मौजूद हैं। यहाँ पर मसला भी अर्ज कर दूँ कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं इमाम खुदा नाता मौजूद ना हो तो हमें उस बंदे को नमाज के लिए आगे खड़ा करना चाहिए जो हमसे सब में बेहतर है, तकबे के लिए आपसे बेहतर है, परहेजगारी के लिए आपसे बेहतर है, या अगर हाफिज़े कुरान है हमें से उसको आगे नमाज के लिए खड़ा करना चाहिए। तो बहरहाल जिब्रील कह रहे थे कि अल्लाह के महबूब मैंने आसमान का कोना कोना जमीन का चप्पा चप्पा शान मारा, आप जैसा इमाम देखा ही नहीं है, आज कोई मुसल्ला रसूल पे खड़ा होगा तो आप खड़े होंगे। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई। अब यहाँ पर बड़े नुक्ता चीनने वाले ने नुक्ते लिखे, कहा कि कौन सी नमाज पढ़ाई, उस वक्त ना फजर थी, ना जोर थी, ना असर थी, ना मगरब थी, ना इशा थी, ना जुमा था, कोई नमाज नहीं थी, मेरे आका ने कौन सी नमाज पढ़ाई। सिया फिक्का की अहादीस की सारी किताबें गवाह हैं, बस यही लिखा कि हुजूर ने अंबिया की इमामत कराई और नबियों की नमाज, और ये नमाज खासों की नमाज थी, उस नमाज में कोई आम बंदे शामिल नहीं थे, उस नमाज में कोई जज साहब, कोई बट साहब, कोई मलिक साहब शामिल नहीं थे, उस नमाज में सारे अल्लाह के नबी शामिल थे, मुक्तदी थे, हुजूर नबी करीम इमाम बने हुए। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, तेरी जात है नबी बे खुदा तेरी क्या बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए खड़े, नमाज से फारिग हुए, आदम अलैहि सलाम ने खुतबा पेश किया, अल्लाह की हमद और सना पेश की और कहा कि मैं आदम अल्लाह का वो नबी बन के आया हूँ जिसे अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया कि जिसकी नस्ल से सारी कायनात को पैदा किया, सारी कायनात मेरी नस्ल से पैदा होगी, अल्लाह का मुझ पर ये करम है।
नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी रब की हमद की फिर अपनी तारीफ में कुछ जुमले थे ताकि हर नबी खड़े होकर खिताब करता रहा और वक्त गुजरता चला गया आखिर में मेरे और तेरे आका की बारी आ गई। हजूर तशरीफ लाए, हजूर सफर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अना रहमतल लिल आलमीन व अरसलनी रसूलन मिनल आलमीन, फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से रहमतल लिल आलमीन नबी बन के आया हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। फिर फरमाया वाना खातमन नबीयीन, मुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म हो गया है, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। फिर फरमाया वाना बशीरन व नजीरा, मैं अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां सुनाने वाला और अल्लाह की तरफ से डर सुनाने वाला नबी बन गया है। हुजूर ने अल्लाह की हमद बयान की और फरमाया ऐ नबियों, तुमने कोई सफीउल्लाह बन के आया, कोई नदीउल्लाह बन के आया, कोई कलीमउल्लाह बन के आया, कोई नबीउल्लाह बन के आया, कोई खलीलउल्लाह बन के आया, पर कोई हबीबउल्लाह बन के नहीं आया, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में आलमे बशरियत में बशर का लबादा पहन के आया हूँ, बशरियत का लबादा पहन के आया हूँ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, लेकिन आलमे बशरियत में इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें समझ लग जाए कि मेरा आना तुम्हारे लिए उसवा हसना का पैटर्न बनने के बराबर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ने मुझे ऐसा बशर बनाया कि मक्के में पैदा किया ताकि लोग खुदा ना समझ बैठे, मदीने में हिजरत करवाई ताकि लोग खुदा ना समझ बैठे, मुझसे शादियां करवाई ताकि लोग खुदा ना समझ बैठे, मेरी औलाद पैदा हुई ताकि लोग खुदा ना समझ बैठे, मुझे रिश्ते अता फरमाए ताकि लोग खुदा ना समझ बैठे, आज अशों में लेके जा रहा है ताकि लोग ये ना समझ बैठे कि खुदा से जुदा है ये, बल्कि खुदा अपने महबूब को पास बुलाकर ये बताना चाहता है कि दुनिया में बशर और भी है पर मेरा नबी खैरुल बशर बन गया है। आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए, आज दुनिया में खैरुल बला आ गए। हुजूर अर्शों पे गए, दुनिया वालों को बताया कि बशर और भी हैं, नबी और भी हैं, सलासीन और भी हैं, नबूवत के हकदार और भी हैं, दावेदार और भी हैं, पर रब ने अर्शों पे बुला के अपने आप का दीदार किसी को नहीं बख्शा, अगर बख्शाया तो मुस्तफा को बख्शा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारी ताला रब भी आ रहे नहीं, अपना आप दिखा, रब ने बताया लम तरानी मूसा तू नहीं देख सकता, रब ने पूछा मूसा तू क्यों देखना चाहता है, फरमाया या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी चाहत का तलबगार हूँ, तेरे दीदार का तलबगार हूँ। रब ने फरमाया मूसा न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो बस निगाहें मुस्तफा देखे, मूसा तू नहीं देख सकता, अगर मुझे देख सकती है तो सिर्फ निगाहें मुस्तफा देख सकती है, आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर क्या तक जितने भी लोग आएंगे मेरा दीदार नहीं कर सकते, अगर कर सकता है तो अल्लाह का रसूल कर सकता है, अल्लाह पैगंबर कर सकता है। मेरे दोस्तों हुजूर पहले आसमान से सातवें आसमान तक कैसे पहुंचे, अल्लाह के नबियों से कैसे मुलाकात की, जन्नत और दोजख का मुलाजा कैसे किया, इंशाल्लाह आइंदा जो भी बयान करेंगे अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए।